हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं रूलर्स, ब्रेन और स्मार्ट गाइड्स की इन एंड ऑफ इलस्ट्रेटर। ये सारी चीज़ें आपको मेजरमेंट में बहुत हेल्प देती हैं। आइए चल के देखते हैं। ये मैंने एक डॉक्यूमेंट खोल के रखा हुआ है, तो आपको मैंने बताया था यहाँ व्यू में जाके आप देखेंगे, यहाँ व्यू में तो आपको ऑप्शंस नज़र आएंगे, ठीक है। यहाँ पे है स्मार्ट गाइड्स, यहाँ पे रूलर्स और यहाँ पे है ग्रिड। अब बात करते हैं सबसे पहले रूलर्स की। रूलर्स की शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस आर। आप कीपैड से कंट्रोल प्लस आर प्रेस करें या व्यू में से आके यहाँ पे शो रूलर्स करें, सेम थिंग। आपने रूलर्स को किया और आपके पास यहाँ पे रूलर्स शो हो रहे हैं, ठीक है, आपको नज़र आ रहे होंगे, आई हो। अब अगर मैं बात करूं आपको, अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे रूलर्स पे कि ये रूलर्स किस स्टैंडर्ड में हैं, पॉइंट्स में हैं, पिकास में हैं, इंचेस में हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, पिक्सल, सॉरी डिसी, हमने यहाँ पे इंचेस सेलेक्ट किए हुए हैं। ये जैसे कि मैंने एक A4 डॉक्यूमेंट उठाया हुआ है, तो इसकी ये इंच होती है, विड्थ होती है 8.26 समथिंग इंचेस, ओके, एंड हाइट होती है 11 point something, ठीक है। तो ये इंचेस में खुला हुआ है। अब ये हमें मेजरमेंट में काम देता है। अब देखिए, ये मुझे एक मेजरमेंट बता रहा है कि डॉक्यूमेंट की विड्थ क्या है और हाइट क्या है, ठीक है। या फिर आप इसको यहाँ रूलर्स पे आके जब आप लेफ्ट की प्रेस करके माउस से, और यहाँ पे आप देखें ये एक हो गया एक रूलर, ठीक है। मैंने ये लिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रखा, इट्स नॉट ऑन प्रॉपर टू, बट आपको गाइड करने के लिए समझाती हूँ। दूसरा मैंने रखा यहाँ 4 पे, ठीक है। अब मुझे इस मतलब मुझे 2 inches का स्क्वायर बनाना था, ठीक है। तो वैसे तो अगर मैं रफली बनाती तो मेरी डायमेंशंस ख़राब हो सकती थी, लेकिन विद द हेल्प ऑफ रूलर्स मैं बनाऊँगी तो मैं बहुत नीटली और बहुत एक्यूरेट साइज़ का बना सकती हूँ। फ़िलहाल तो मैं रफली ले रही हूँ, यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट की मिस्टेक होगी, बट स्टिल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। देखिए मैंने यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ऑलमोस्ट इट्स 2 point something, इट्स ऑलमोस्ट नियर बाय 2, ओके, विड्थ एंड हाइट। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। अब इसको रिमूव करना है, तो सिलेक्ट ऑल करके डिलीट की प्रेस। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं, दैट स्मार्ट गाइड्स। मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया था कि आपको स्मार्ट गाइड्स को टिक करना है। स्मार्ट गाइड्स क्या होते हैं, जैसे मैंने एक शेप ले लिया, ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं ये पिंक एरिया, आप देखा ये पिंक लाइन आपको नज़र आ रही होगी, ये मुझे गाइड कर रही है कौन सा सेंटर पॉइंट है, कौन सा इसका डायगोनल है, कितनी इसकी होगी, तो ये मुझे बता रहा है, पिंक आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये आपको टिक करना है। अब देखें, ये मैंने एक ले लिया स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं दूसरा स्क्वायर रखूँगी, बनाऊँगी इसका, अब आप देख रहे हैं इस स्क्वायर को ही अगर मैं मूव कर रही हूँ तो ये मुझे पिंक लाइन दे रहा है, ठीक है। ये मुझे बता रहा है कि आप इसी डायरेक्शन में डाउनवर्ड मूव कर रही हैं, है ना। तो ये गाइडलाइंस हमें बहुत मदद देती हैं ड्यूरिंग डिज़ाइंस, ठीक है। और दूसरी बात, हम क्या कर रहे थे रूलर्स की, ग्रिड की। व्यू में आके यहाँ शो ग्रिड आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ग्रिड आ जाएगी। आपने प्राइमरी क्लासेस में ग्राफ पेपर यूज़ किया होगा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, तो ये वही ग्राफ है, ठीक है। जैसे कि ये डॉक्यूमेंट A4 है और इसकी विड्थ 8 point something है, हाइट 11 point something है, तो
इसने ग्राफ ने इस डॉक्यूमेंट की विड्थ और हाइट को एग्जैक्ट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब मुझे स्क्वायर्स बनाने थे, तो मैं अगर खुद से भी बना दी तो मेरी साइज़ ख़राब हो सकती थी। ठीक है, ये 1 पॉइंट समथिंग या एग्जैक्टली 1 इंचिस का एक एक बॉक्स होगा। ठीक है, तो अगर मैं स्क्वायर बनाने चलूँ तो इस तरह से मैं बना सकती हूँ शेप्स। यहाँ पे मुझे लाइंस नज़र आ रही हैं और उन लाइंस की मदद से मैं इजीली अपनी पोजीशंस को सेट कर सकती हूँ। मेरी मेजरमेंट ख़राब नहीं होगी और अलाइनमेंट वगैरह हर चीज़ सही रहेगी। तो आई होप आप लोगों को रूलर्स, ग्रिड और स्मार्ट गाइड्स का मतलब समझ आ गया होगा कि हम किस पर्पस के लिए इनको यूज़ करते हैं और इनसे हमें क्या एडवांटेज मिलता है। मेजरमेंट का हमें फ़ायदा होता है कि एग्जैक्ट मेजरमेंट होती है, और उसके अलावा हमें गाइडलाइंस मिलती हैं कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस टाइप मूविंग हो रही है, इसकी हमें गाइडलाइंस पता चलती हैं। हमें डायरेक्शंस मिलते हैं, हमें एरोज मिलते हैं कि आप, हमें सिग्नल्स मिलते हैं कि आप इस तरफ जा रहे हैं, हम ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये बहुत डिज़ाइंस में आगे काम करता है।